हेलो दोस्तों आज है सात मार्च 2022 और सात मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जिक्के और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जिक्के का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पी फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री स्वतो उद्यमी सारथी योजना किसके लिए शुरू करेगी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परिवारों के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पांच मार्च को अम्बाला के नारायणगढ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सतोदमी योजना करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि इस नई योजना के तहत समाज के पांच अनुभवी व्यक्तियों को हर सौ परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा जो कि इन परिवारों के लिए सारथी बनकर रहेंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ये लोग यह देखरेख भी करेंगे कि यह परिवार काम कर रहा या नहीं अब दोस्तों जिक्र हुआ था योजना का तो इनसे संबंधित हाल ही में जो योजनाएं शुरू की गई है उनके बारे में पढ़ लेते हैं हरियाणा राज्य में 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है और संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 24 मई 2021 को करनाल जिले से शुरू किया गया है और एग्जाम में पूछा जा चुका है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री बाल सेवा की घोषणा भी की थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 जून 2021 को प्राण दिवस पर प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत भी की है क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा के खिलाड़ी रवि दैया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तो तीसरा स्थान मिला है अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अपनी रैंकिंग लिस्ट जारी की है इसमें सत्तावन किलोग्राम बार वर्ग में रवि दैया को तीसरा स्थान मिला है जबकि इसी बार वर्ग में पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर रूस का पहलवान रहा है और दोस्तों वहीं पैंसठ किलोग्राम बारह वर्ग में बजरंग पुनिया को छठा स्थान मिला है और जबकि छियासी किलोग्राम बारह वर्ग में दीपक पुनिया को दसवां स्थान मिला है और जबकि लड़कियों की बात करें तो पिचपन ग्राम किलोग्राम बारह वर्ग में पिंकी और सत्तावन किलो में अंशु मलिक को पांचवा रैंक मिला है और उनसठ किलोग्राम बारह वर्ग में सरिता को तीसरा स्थान मिला है अब दोस्तों जिक्र हुआ था रवि दहिया का तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं तुर्की के इस्तांबुल में फरवरी में हुई विश्व रैंकिंग सीरीज में रवि दैया ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों और रवि दैया सोनीपत के नहरी गांव से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 56 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और हाल ही में 2021 में पोलैंड ओपन चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीत चुके हैं और 2021 में कजाकिस्तान के अल्माटी में हुई एईसी चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था हाल ही में पतंजलि योगपीठ के प्रमुख स्वामी बाबा रामदेव ने बजरंग पुनिया रवि दैया और दीपक कुमार को पतंजलि सोया का ब्रांड नियुक्त किया है और हाल ही में दैया को भीम अवार्ड मिला 2022 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 भी मिल चुका है क्वेश्चन नंबर तीन है हरियाणा की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी वर्कर का अवार्ड मिलेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गीता देवी को यह अवार्ड मिलेगा अब दोस्तों पढ़ लेते हैं पानीपत जिले के गांव रामपुरा की गीता को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी वर्कर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है अब दोस्तों जिक्र हुआ था अवार्ड का तो हाल ही में हरियाणा के कुछ व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार या पद्म अवार्ड 2022 मिले हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं हरियाणा के पांच हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2022 मिला है नीरज चोपड़ा को दोस्तों खेल क्षेत्र में दिया गया है सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में दिया गया है ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला है यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में दिया है करनाल से बिलोंग करते हैं और राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में दिया है कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन नंबर चार है मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी और गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तो बाईस बीमारियों को शामिल किया गया है अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पाँच मार्च को इस पोर्टल को लॉन्च किया है अब दोस्तों जिक्र हुआ था बीमारियों का तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हाल ही में एच यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की बाजरे की नई रोट बीमारी की खोज की है और इसके कारक जीवाणु का नाम है क्लेबेसिलिया एरोजेंस और हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस सात को हरियाणा में लॉन्च किया है इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श या सलाह ले सकता है और हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट सुविधा शुरू की गई है इसे मिनी ऑन व्हीकल अस्पताल सुविधा भी कह सकते हैं और इसके तहत सामान्य बीमारियों व रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी आपके घर के, के बाहर ही मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी इसकी सहायता से क्वेश्चन नंबर पांच है हरियाणा की पंडित लक्ष्मी चंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का कुल गीत किसने लिखा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुधाकर शर्मा ने कुलगीत लिखा है अब दोस्तों पढ़ लेते हैं पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी अब परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट कुलगीत कुल गीत कलाश खेर और कविता कृष्ण मूर्ति ने जबकि इसे लिखा दोस्तों सुधाकर शर्मा ने अब यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं इसकी स्थापना हुई थी दो हजार चौदह में रोहतक में और हाल ही में इसका वाइस चांसलर या कुलपति गजेंद्र चौहान को नियुक्त किया गया कोई नाम नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है और लोक कला को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों आर्ट म्यूजियम भी बनाया जाएगा अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिविजन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना किसके लिए शुरू करेगी तो परिवारों के लिए शुरू किया जाएगा दोस्तों अगर आपको फरवरी 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की पी फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी रवि दैया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है तो तीसरा स्थान मिला है नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी वर्कर का अवार्ड मिलेगा तो गीता देवी को दोस्तों पंचपत जिले से बिलोंग करती है आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाएगा नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी और गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है तो बाईस और गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है और इस कोष से आर्थिक सहायता लेने के लिए एक पोर्टल भी शुभारंभ किया है और उस पोर्टल का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्वेश्चन नंबर पांच है हरियाणा के पंडित लक्ष्मी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का कुलगीत किसने लिखा है तो सुधाकर सरमान दोस्तों अब साथ ही साथ हरियाणा जी के करविजन या टेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन है उन्नीस के आम चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा में क्या में से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी तो अड़तालीस सीटें प्राप्त हुई थी क्वेश्चन नंबर दो है हरियाणा खादी ग्राम उद्र बोर्ड की स्थापना कब हुई थी एक फरवरी उन्नीस को नेक्स्ट है अठारह सौ तैतीस चौंतीस ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाया गया था इसका केंद्र कौन था तो आगरा में इसका केंद्र था नेक्स्ट है हंसन ने रोहतक को किस राज्य के दिन किया था जिंद के दिन नेक्स्ट है तीस जुलाई उन्नीस को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था तो से दोस्तों जबकि दस अप्रैल उन्नीसो उन्नीस को कहां से तो पलवल से नेक्स्ट है रॉयल एक्ट का विद्रोह तीन जुलाई उन्नीस सौ उन्नीस को किस जिले में हुआ था अम्बाला दोस्तों? में दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात है उन्नीस सौ नौ ईस्वी में किस जिले के उपायुक्त के बंगले पर बम फेंका गया था तो अम्बाला जिले के उपायुक्त के बंगले पर नेक्स्ट है हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था फरवरी में है, मई में नेक्स्ट है मई दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ आई थी रोहतक आई थी क्वेश्चन नंबर दस है हिसार के गुजरी मैल के एक स्तंभ पर कितने अभिलेख है तो आठ दोस्तों अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करट अफेयर का कर रिविजन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हरियाणा के किस जिले में स्विट्जरलैंड की तरहज पर वर्ल्ड क्लास आर्टरी सेंटर बनाया जाएगा तो सुनपत में बनाया जाएगा नेक्स्ट है हाल ही में किस जिले में बेड एंड मॉस्टेज परتوक्ताइजेशन तो किया गया था तो गुरुग्राम में दोस्तों नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के छात्र दिव्या और अनुष्का के प्रोजेक्ट का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ था तो महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते दोनों नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा तो में बनाया जाएगा दोस्तों नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को हरियाणा सम्मान मिला है तो प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा और डॉक्टर कुमार को मिला दोस्तों 2019 और 20 के लिए दिया गया 2022 में नेक्स्ट है हरियाणा के किस अधिकारी ने इन द नेम ऑफ लव एंड गोड नाम का काव्य संग्रह लिखा है तो वर्षा खंगवाल ने लिखा दोस्तों इसको नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला ने फेस ऑफ द ईयर हरियाणा 2021 का खिताब जीता है तो राधिका मंगल ने दोस्तों जयपुर में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और ये राधिका रोहतक से बिलोंग करती है नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर दो सौ एकड़ भूमि में थीम पार्क बनाया जाएगा तो मानेसर में बनाया जाएगा नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला सुनहरे रंग का पोस्ट बॉक्स लगाया गया है तो पानीपत में लगाया गया दोस्तों नीरज चोपड़ा के लिए नेक्स्ट है हरियाणा सरकार राज्य में कोविड नाइन्टीन के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजन को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देगी तो पचास हजार रुपए दिए जाएंगे दोस्तों और हरियाणा में कोरोना का सबसे पहला टीका सरोज बाला को लगाया गया था अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हरियाणा के खिलाड़ियों ने मास्को अंतरराष्ट्रीय वसु प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं तो इस प्रतियोगिता में हरियाणा के सात खिलाड़ियों ने आठ पदक जीते हैं क्वेश्चन नंबर है हरियाणा राज्य को रोकने के लिए कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का सातवां राज्य बनेगा और दोस्तों अगर आपको जनवरी फरवरी 2022 या एक दो साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया से डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी के ने छठी बार, सोनम मलिक ने दोस्तों सोनपत है। है, की नया गया है तो सुदेश को नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी तनु गोलिया ने उज्बेकिस्तान में जीत हुई जूनियर एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है रजत पदक जीता दोस्तों जबकि इसी चैंपियनशिप में जिंद की प्राची और दोस्तों कनुप्रिया ने काश्यप पदक जीता यह आपको नोट कर लेना है लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिवाणी के दोस्तों गरवा गांव में बनाया जाएगा आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव से सुंगकालीन महिला की टेराकोटा की प्रतिभा मिली दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए